देखो ओके बुकलेट ओपन करो प्लीज। पेज नंबर 114, पेज नंबर 114 तक हमने कर लिया। पेज नंबर 115 पे एक चैप्टर है अर्थ मैग्नेटिज्म, इसको हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ये बीच में अगर ये शुरू हुआ तो अगला चैप्टर बीच में आधा फंसेगा, तो अगला चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूँ जिसका इस चैप्टर से लेना देना नहीं है कोई भी। और चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल, पेज नंबर 118, पेज नंबर 118 इम्पॉर्टेंट। और एनसीईआरटी में आज के लेक्चर और अगले लेक्चर में से कम नहीं तो 3-4 नंबर का पक्का आएगा। बोर्ड की बात करते हो 100% आएगा। इन दो चैप्टर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बोर्ड कोई क्वेश्चन ना डाले, 3-4 नंबर पक्के। इसके अलावा नीट वालों का एक क्वेश्चन पक्का, मेडिकल वालों का तो पक्का आएगा इन दोनों चैप्टर में से एक। और जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं कंप्यूटर सेलेक्ट करेगा, इस कई सेट में आया हुआ है, कईयों में ए और बी चैप्टर में से आया, कईयों में इन चैप्टरों में से आया। तो ऐसा नहीं कि आया नहीं हुआ, तो मतलब आपकी आपका लक है कि आप उसमें सिलेक्शन होती है कि नहीं होती, पर अगर आपकी सेट में क्वेश्चन आएगा तो आपसे हो जाएगा इन शीट में से जो मैं करवाने जा रहा हूँ। पहले आज एनसीईआरटी है और बाकी जो शीट्स की प्रॉब्लम है मैंने शीट्स तैयार कर दी हैं, वो नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करेंगे, एक घंटे का काम और होगा। इस चैप्टर को क्लोज करेंगे आज हम, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल्स। ध्यान आ गया अब इस चैप्टर के अंदर, ये चैप्टर स्टार्ट कहाँ से है, कुछ डेफिनेशंस हैं, लेकिन एक्चुअल में इस चैप्टर का मोटिव क्या है आपको क्लासिफाई करके देना कि कौन कौन से मैग्नेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट है और उनको किस कैटेगरी में डाला जाए। जैसे कि ब्रॉडली स्पीकिंग तीन कैटेगरीज हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स की, फेरोमैग्नेट, पैरामैग्नेट एंड डायामैग्नेट। ये तीन टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं और ये इनकी नेचर क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, ये आज डिस्कस करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट होने से पहले एक डेफिनेशन या दो तीन सॉरी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। उनमें से पहली डेफिनेशन है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी हमने की थी और जिसका सिंबल एप्सिलॉन था, इसमें क्या यूज कर रहा है, परमिएबिलिटी हमने स्टडी किया हुआ है, सिंबल म्यू या म्यू नॉट है। तो अगर एक सोलेनोइड का एग्जाम्पल ले तो बी नॉट क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, नॉट का मतलब मीडियम इज वैक्यूम, राइट। लेकिन अगर मैं मीडियम को चेंज कर दूं कोई भी मीडियम, तो म्यू के पैर में क्या जाएगा, एम आ जाएगा। म्यू अगर मीडियम है तो बी भी मीडियम का है, कोई डाउट इसमें, ये स्टेप क्लियर है यहां तक, ठीक। आगे अगर मैं इन्हें डिवाइड कर दूं तो ये कैंसल हो जाएगा। तो डिवाइड कैसे करना है ये भी देख लो, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करना है उल्टा। तो मैग्नेटिक फील्ड मीडियम में और वैक्यूम में, म्यू मीडियम में, म्यू वैक्यूम में, इसकी रेशियो को म्यू आर बोलते हैं। आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी जैसे इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट हो गया, इसको डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोलते थे फर्स्ट लेक्चर में, इसको म्यू आर बोलते हैं, कोई डाउट इसमें, क्या स्टेप क्लियर है यहां तक। तो इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो इस पूरे डेफिनेशन जो ये पूरा पेज भरा हुआ है आप ना पढ़ो मेरी तरफ से, बस ये नोट कर लो या बॉक्स में डाल लो, ये लिखा हुआ है या लिखना चाहो लिख लो, ये आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए बस, ठीक। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, नेक्स्ट डेफिनेशन इज मैग्नेटिक इंडक्शन या फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक इंडक्शन को स्टडी करने की जरूरत नहीं है, इसका सिंबल क्या होता है, बी। बी तो फर्स्ट लाइक एक महीना हो गया स्टडी करते हुए, तो मैग्नेटिक इंडक्शन तो पता ही है क्या होता है, फिर भी मैथमेटिकली डिफाइन करना है। तो मान लो एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एफ, तो F इज इक्वल टू बी क्यू बी साइन थीटा। अगर
चार्ज 1 कूलम है, वेलोसिटी 1 है, साइन थीटा 1 है, तो फिर बी किसके इक्वल है, एफ। तो बी फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल है, जब वो चार्ज पार्टिकल का चार्ज 1 कूलम है, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्टाइल है लिखने का, पर मेरे को लगता नहीं कि कोई बी के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। बी आपको पता ही है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या इंडक्शन है। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट डेफिनेशन है मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और दूसरी डेफिनेशन है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। नाम इतने क्लोज हैं कि पढ़ते पढ़ते पक्का कंफ्यूजन हो जाए कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब आप बुक पढ़ेंगे किताब के अंदर तो बहुत ही जबरदस्त कंफ्यूजन है। वो क्या कहता है, इफ वी इंक्रीज मैग्नेटिक इंटेंसिटी वी ऑब्जर्व दैट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंक्रीजेस। ऐसे पूरा पेज लिखा होगा तो आप डिसाइड करना मुश्किल हो जाओगे कि ये कौन सी क्वांटिटी की बात कर रहा है। तो मैं इस चैप्टर में नाम नहीं लूंगा, मैं इसके सिंबल से समझाऊंगा। जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है उसका सिंबल है एच और इसका सिंबल है आई। एच और आई में क्या डिफरेंस है इसको बताता हूं क्या डिफरेंस है। तो मैं एच और आई में, चलो फिर भी थोड़ा दूरी लगती है, एच अलग है आई अलग है, बट नाम से कंफ्यूजन रहती है, राइट? तो देखो, सपोज करो एक स्टूडेंट बोला कि एक सबस्टास को ना मैग्नेट बनाना है, लोहे के पीस को मैग्नेट बनाना है, तो मेरे को ना मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मैंने कहा क्या करेगा, वो कहता देखो बात ऐसी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड अगर आप इस रूम में प्रोड्यूस कर दो इस तरफ, मैं लोहे के पीस को इसमें रख दूंगा, इसके अंदर एटम्स हैं, लोहे के पीस के जो एटम्स हैं वो बहुत स्ट्रांग मैग्नेट्स हैं, वो सारे मैग्नेट एक तरफ अलाइंड हो जाएंगे और थोड़ी देर में सारे कैपिटल एम कैपिटल एम कैपिटल एम एक तरफ अलाइन होके नेट डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा, तो लोहे का पीस विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट। हम बोलते हैं ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो अगर बहुत स्ट्रांग फील्ड में लोहे का पीस रख दो या कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दो, इट विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट। क्लियर है? ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, लोकल छोटी बात में पेज का स्लो मैग्नेट से रगड़ दो, इट विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट। पेज का दिखा है ना, वो स्पीकर से इलेक्ट्रीशियन रख दो, मैग्नेट रखी होती है, पेज अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो इतना ज़्यादा मैग्नेटिक होता है स्टील आयरन कि ये कुछ मतलब थोड़ा सा भी मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टैक्ट में आ गए तो इनके सारे एटम एक तरफ अलाइन हो जाते हैं, बिकॉज है तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ना, तो दे स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट। कई दिन तक वो मैग्नेट की तरह ही काम करेगा, इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक सब्सटेंस है आयरन या स्टील। क्लियर है यहाँ तक? तो मेरा क्वेश्चन था कि मैं सब्सटेंस को मैग्नेट बनाना चाहता था, मेरे को स्ट्रॉन्ग फील्ड चाहिए था, मुझे स्ट्रॉन्ग फील्ड चाहिए था। तो मैंने कहा ठीक है फील्ड ले, हॉर्सशू मैग्नेट ले ले, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये ले फील्ड ही फील्ड है। वो कह रहे हैं तो फील्ड छोटा पड़ रहा है, बड़ा फील्ड चाहिए। मैं गया, मैंने मैग्नेट चेंज कर दी, बड़ी ले आया मैं। उसने कहा ये भी कम लग रहा है मुझे, और मैं फिर अब एक और मैग्नेट, उसने कहा ये भी कम लग रहा है। अब मैं कितने पीस चेंज करूं, इसकी जगह क्या करूं, सोलेनोइड। वो कह रहे हैं यार तुम फिजिकल मैग्नेट को यूज़ कर रहे हो तो आप इसमें क्या यूज करो, सोलेनोइड, बिजली की बनी हुई मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करो, कुछ नहीं करना। अगर आपको इसमें बताओ बी बढ़ाना है, बी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, तो अगर आप एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बढ़ाओगे या करंट बढ़ाओगे आपका बी बढ़ जाएगा, तो आपको मैग्नेट चेंज करने की जरूरत थोड़ी ना है। आप नंबर ऑफ टर्न्स या आई बढ़ा दो या दोनों बढ़ा दो आपका बी बढ़ जाएगा, कोई डाउट इसमें? आप इसके अंदर लोहे के पीस को रख लो, कोई दिक्कत नहीं, इट विल गेट मैग्नेटाइज्ड, ज्यादा बेटर लगता है, ठीक? क्योंकि साइज जो मर्जी कर लो, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाया जा सकता है बड़े कम जगह में। कोई यहां तक क्लियर है? निकल क्लियर है? तो इसमें इस चैप्टर में अगर मुझे बी बढ़ाना है, बी बढ़ाना है, तो मैं क्या करूं, या तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाऊं पर यूनिट लेंथ, या करंट बढ़ाऊं, या दोनों बढ़ा दूं, तो मेरा बी बढ़ जाएगा, ठीक? ये बोलने में बहुत लंबा है कि अगर मुझे बी बढ़ाना है तो मैं या तो एन बढ़ाऊं, या मैं आई बढ़ाऊं, या मैं दोनों बढ़ाऊं, बी बढ़ जाएगा। इसकी जगह एक शॉर्टकट आ गया, इसकी जगह रिप्लेस कर दिया एच, एच वेयर एच कैन बी रिटन एज एन इंटू आई। तो आज के बाद मैं ये नहीं कहूंगा एन बढ़ाओ या आई बढ़ाओ, मैं बोलूंगा यार एच बढ़ा दिया। अब इसका मतलब मैंने कुछ ना कुछ तो या एन या आई या दोनों बढ़ाया होगा, तभी एच बढ़ा होगा, एच बढ़ने से बी बढ़ गया होगा, कोई डाउट इसमें?
तो H इन जो की जो वैल्यू है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये H जिसकी डिस्कशन हो रही है, ये बेसिकली किसका प्रोडक्ट है, N इंटू I। तो सोलेनोइड का जो रिजल्ट है जो कि क्या होता है, B इज म्यू नॉट एन आई, इसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं H, तो फॉर्मूला क्या बन गया, म्यू नॉट टाइम। ठीक, तो इस चैप्टर में मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने B बढ़ा दिया, मैं क्या कहूंगा, मैंने क्या बढ़ा दिया, H बढ़ा दिया, अंडरस्टूड है कि उससे B बढ़ गया होगा। क्लियर है यहां तक? फिर H के यूनिट्स देख लेते हैं। H के यूनिट्स निकालने का तरीका, H क्या होता है, N इंटू आई, N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू करंट की जगह एम्पियर। नंबर के तो कोई यूनिट्स नहीं है, 1 अपॉन लेंथ की जगह मीटर इंटू एम्पियर, तो इसके यूनिट्स क्या होंगे, एम्पियर पर मीटर। तो इसने क्या किया मेरी असाइनमेंट में, उसने यहां से यूनिट्स निकाल दिए, बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। एक तो बी बड़ा मुश्किल, ऊपर से म्यू नॉट भी मुश्किल, तो इसकी बजाय साइड पे लिख लो एम्पियर पर मीटर, ये ज्यादा बेटर है। वो भी ठीक है पर ये ज्यादा ठीक है, छोटे हैं। ठीक है, तो क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो यूनिट्स क्लियर है यहां तक? ठीक है, ओके। तो H की डिस्कशन क्लोज करें, तो H का मतलब समझ जाओगे कि H का मतलब क्या है इसमें। नेक्स्ट, अब एक काम करते हैं, मैंने H बढ़ाया तो B बढ़ाया, जिससे कि अंदर स्पेसिमेन जो आयरन का पीस पड़ा हुआ है वो क्या हो गया, वो मैग्नेट बन गया। तो मैग्नेट थोड़ी देर में बनेगा, थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि उसके लाखों करोड़ों एटम्स हैं, वो ओरिएंटेशन चेंज करेंगे, जब तक सारे के सारे एक तरफ नहीं हो जाते तब तक कंप्लीट मैग्नेट नहीं बनेगा, तो टाइम लेगा ओरिएंटेशन लेने में। तो सब्सटेंस जो भी आयरन का पीस है, ये आयरन का पीस जब मैग्नेटाइज होगा, इसका एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन का ए, और इसकी लेंथ कितनी है, मान लो 2L है। जब ये मैग्नेटाइज होगा, ये कितना मैग्नेटाइज हुआ उसको हम एक नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको आई बोलते हैं, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी का मतलब किस हद तक वो मैग्नेट बन चुका है। अब मान लो आयरन का पीस है, किसी आयरन के पीस की आई की वैल्यू 0 है, या किसी भी सब्सटेंस की आई की वैल्यू 0 है, किसी भी सब्सटेंस की आई की वैल्यू 10 है और किसी की 100 है, तो ये नंबर आपको ये बताता है कि जब आपने एच अप्लाई किया, जब आपने H बढ़ाया या B बढ़ाया, आपने इस पीस को सॉलिडॉइड के अंदर रख दिया और आपने H को बढ़ाया, नंबर ऑफ टर्न्स करंट बढ़ाया, तो यानी कि B बढ़ाया, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, पर आई तो 0 आ गया, इसका मतलब वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज हुआ ही नहीं। हो तो लकड़ का पीस हो यार, आई 0 हो ही नहीं सकता, आई 0, लेकिन ये थोड़ा सा हुआ, तो आई ये बता रहा है कि थोड़ा सा मैग्नेटाइज हुआ, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो गया। H तीनों पे सेम अप्लाई किया था, ये कम हुआ ये ज्यादा हुआ, यानी कि ये सब्सटेंस ज्यादा मैग्नेटिक इन नेचर है और ये कम है, और ये तो बिल्कुल है ही नहीं। तो आई आपको ये बताता है कि जब आपने फील्ड अप्लाई किया बाहर से सोलेनोइड में, अंदर जो पीस पड़ा हुआ है आयरन का या जो भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है, वो कितना मैग्नेटाइज हुआ। तो जितना ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, आई की वैल्यू उतनी ही ज्यादा आ जाएगी। ठीक हो गया? तो द एक्सटेंट अप टू विच स्पेसिमेन इज मैग्नेटाइज्ड, किस लेवल तक सब्सटेंस मैग्नेट बन चुका है, उसको हम आई बोलते हैं। अब एच की तो कोई लिमिट नहीं, आप एच जितना मर्जी बढ़ाओ आपके हाथ में, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओ, करंट बढ़ाओ, टर्न्स बढ़ाओ, करंट करंट जितना मर्जी बढ़ा लो आपके हाथ में, पर आई आपके हाथ में नहीं है। आई की कोई मैक्सिमम लिमिट है। मान लो एक आयरन का पीस है और उसके सारे के सारे एटम इस तरफ, कैपिटल एम एक तरफ हो गए, अब उससे तो वो कुछ नहीं कर सकता,
सारे ओरिएंट हो चुके हैं, वो कंप्लीट मैग्नेट बन चुका है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म वो शो नहीं कर सकता। अब ये थोड़ी ना कि आप उसको और भी दोगे बाहर से तो और मैग्नेट बनेगा, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दोगे वो और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, फिर ऐसे तो इतना सा पीस पूरी दुनिया के लोहे को ही खींच लेगा क्योंकि हमने बहुत फील्ड अप्लाई कर दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो गया। ऐसा नहीं है, इसकी कोई लिमिट है कि जितना इससे मैग्नेट बनना है अब वो बन चुका है, यानी कि आई की मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद आप एच जितना मर्जी अप्लाई करो, एच का मतलब होता है कि आपने बी जितना मर्जी अप्लाई कर लेना एक्सटर्नल, जिस मर्जी दुनिया के सॉल्वेंट में जाके रख दो, उसने आई की मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर ली है, उससे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट वो बन नहीं सकता। क्लियर है यहां तक? तो आई का मतलब क्या है कि सब्सटेंस कितना मैग्नेट बन गया, एच का मतलब उस सब्सटेंस को मैग्नेट बनाने के लिए मैंने कितना फील्ड अप्लाई किया। फर्क है, एच मैंने अप्लाई करना है, आई सब्सटेंस खुद मैग्नेटाइज होगा। ठीक, आई की वैल्यू निकलती कैसे है? आई की वैल्यू निकालने का तरीका कि मान लो ये एक स्पेसिमेन है लोहे का या जो भी पीस रखा, ये मैग्नेट बन चुका है, मान लेते हैं ये बार मैग्नेट की फॉर्म में लो, इसकी पोल स्ट्रेंथ है एम, डिस्टेंस 2L है, तो आई की डेफिनेशन है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जो भी आपने सब्सटेंस रखा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, एम इंटू 2L, और वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू 2L, तो 2L से 2L कैंसल, पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय ए, इसका मतलब क्या है, पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आई की डेफिनेशन क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ के यूनिट्स क्या थे, क्या थे, एम्पियर, एम्पियर इनटू मीटर, सही, और डिनोमिनेटर में क्या है, एरिया, एरिया का मतलब है मीटर का स्क्वायर, कैंसल, तो यूनिट्स क्या आ गए, एम्पियर पर मीटर, और एच के यूनिट्स क्या थे, एम्पियर पर मीटर, तो एच और आई के यूनिट्स एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? अच्छा हो गया, सेम है ना, क्योंकि जिस यूनिट में मैं एच अप्लाई कर रहा हूं उसी यूनिट में आई सब्सटेंस मैग्नेटाइज भी हो रहा है, दोनों सेम है, कोई डाउट इसमें? पोल स्ट्रेंथ स्पेसिमेन की दो पोल्स बनेंगे, जब वो मैग्नेट बन जाएगा कॉर्नर पे दो पोल्स आ जाएंगे, सारे कैपिटल एम ऐड हो जाएंगे ना, तो बड़ा एम आ जाएगा एक, तो मैंने इसकी शेप ही बार मैग्नेट ले ली। ठीक है, यहां तक? नेक्स्ट, अब एक और डेफिनेशन है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। सुनने लगती है ससेप्टेबिलिटी, कहां पर, इलेक्ट्रोस्टैट्स में, किस चैप्टर में, लास्ट लास्ट डेरिवेशन थी जब पढ़ रहे थे कैपेसिटर के एंड में, जब आपने कहा कि जो शुगर है इलेक्ट्रोस्टैट्स कंप्लीट हो गया जब ये एंड में की जाती है, क्योंकि शुरू में कोई नहीं करता, एंड में करता है, और वो भी वो करता है जिसमें तक दम बचता है जो यहां तक पहुंच जाए, तो जीरो सीबीएसई के लिए तैयारी की जाती है तो ये जरूर पढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है ससेप्टेबिलिटी पे। काय से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी है, ये मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है, काय के पैर में एम। डेफिनेशन बहुत सिंपल है इसकी, आई डिवाइडेड बाय एच, आई के यूनिट्स एच के यूनिट्स सेम है, तो काय के यूनिट्स क्या होंगे, हो गए नहीं, एच और आई सेम यूनिट्स के हैं, कैंसिल हो जाएंगे, काय के कोई यूनिट्स नहीं है, कोई डाउट इसमें? ठीक, काय ससेप्टेबिलिटी क्या बताएगा हमें, इसको बड़े ध्यान से देखना है। मान लो आपके पास तीन सब्सटेंस हैं, एक दो और तीन, एक मानो एल्यूमिनियम है, एक आयरन है और एक निकल है, मैंने तीनों को सोलेनोइड में रखा और एच तीनों का एग्जैक्टली सेम रखा, पर क्या हुआ कि इसका आई आ गया 100, इसका आई आ गया 50 और इसका आई आ गया सपोज 20,
तो इसकी काई की वैल्यू क्या होगी? देखो काई होता क्या है, आई डिवाइडेड बाय एच, एच तीनों के लिए क्या रखा सेम, तो जिसका आई ज्यादा होगा उसका काई भी ज्यादा होगा। इससे ये पता लगता है कि वो सब्सटेंस ज्यादा मैग्नेटिक है। तो जितना ज्यादा काई की वैल्यू हाई होगी सब्सटेंस उतना ही ज्यादा मैग्नेट होगा। समझ आ रहा है? तो इस केस में आई की वैल्यू ज्यादा मतलब सब्सटेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गया। तो जिस भी सब्सटेंस का याद रखना काई ज्यादा होगा उतना ही वो मैग्नेटिक सब्सटेंस है। अगर मान लो मैंने एच अप्लाई किया, मैंने एच अप्लाई किया सेम, पर उसका आए जीरो, कुछ भी नहीं हुआ, तो काई क्या आ गया जीरो, यानी कि वो सब्सटेंस बिल्कुल भी मैग्नेटिक है ही नहीं। आप ऐसी बस यूजलेस एक्टिविटी कर रहे हो, उसमें मैग्नेट बनना ही नहीं है। समझ में आ रहा है यहां तक? तो जिसका काई है यानी कि कुछ तो मैग्नेटिक है वो। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड ससेप्टेबिलिटी, कुछ सुना सा लगता है इलेक्ट्रोस्टैट्स में, यही तो वो रिलेशन था। क्या आंसर था इसका टू प्रूव? काई इज इक्वल टू 1+K। हाँ यही था। ऐसे ही कुछ रिजल्ट है फिर से, और ये आता है पेपर में, या वो आ जाएगा ये आ जाएगा, कुछ तो आ ही जाएगा। और रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी एंड ससेप्टेबिलिटी, देखो एक इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम रिलेशन निकालने वाले हैं। परमिएबिलिटी का मतलब म्यू आर लिख सकते हो, रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड काई एम, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए। फाइंड रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड ससेप्टेबिलिटी। ठीक, करने का तरीका आप इमेजिन करो कि आपने एक सोलेनोइड लिया, सोलेनोइड के एक्सिस पर बी जनरेट हुआ, और बोलो सोलेनोइड के एक्सिस पे बी कितना होगा, पी नॉट, जिसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट एन आई। कोई डाउट इसमें? ठीक, ये हुआ। आपने क्या किया, इस सोलेनोइड के बीच में यहां पर एक मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया, लोहे का पीस रख दिया, ताकि ये मैग्नेट बन जाए। और ठीक है, मैग्नेट भी बन गया। तो आपको ये तो समझ में आता है, सोलेनोइड का कोई साउथ एंड नॉर्थ पोल था, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से कहां जाती है साउथ, और फिर घूम के वापस आ जाती है, इस तरीके से ये होती है लाइंस सोलेनोइड की। तो मैग्नेट का क्या हुआ, मैग्नेट का ये क्या डेवलप हो गया साउथ, और यहां क्या डेवलप हो गया नॉर्थ, क्योंकि सारे एटम उल्टे हो गए, साउथ अट्रैक्टेड बाय नॉर्थ, राइट। तो मैग्नेट का भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी चल पड़ा, ये देखो, तो मैग्नेट की लाइन भी अंदर ऐसे जा रही है और सोलेनोइड की लाइन भी अंदर ऐसे जा रही है। तो इस एक्सिस पर, सोलेनोइड के एक्सिस पर बी की वैल्यू नॉर्मल से बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि एक बी तो किसने जनरेट किया, सोलेनोइड ने, और एक बी किसने जनरेट किया, जो मैग्नेट बन चुका आयरन है। तो फील्ड कितना हो गया, टोटल फील्ड बी है, विच विल बी इक्वल टू बी नॉट, बी नॉट का मतलब जो फील्ड सोलेनोइड ने जनरेट किया था, प्लस म्यू नॉट टाइम्स आई। अब ये क्या चक्कर है, ये देखो, म्यू नॉट टाइम्स आई का मतलब है, यहां पे ध्यान से देखना इधर, कि यहां पर अगर मैं ये बताऊं म्यू नॉट को एच से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे यूनिट्स क्या आते हैं, टेस्ला, क्योंकि बी क्या होता है, म्यू नॉट इंटू एच, ये होता है ना, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। सिमिलरली अगर मैं म्यू के यूनिट्स को आई के यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आ जाएगा फिर से, टेस्ला। एच और आई तो सेम यूनिट्स के हैं, तो म्यू नॉट इंटू एच भी टेस्ला, म्यू नॉट इंटू आई भी टेस्ला। म्यू नॉट इंटू एच का मतलब कि वो बी की वैल्यू जो मैंने प्रोड्यूस की या मैंने लगाई ताकि आयरन मैग्नेट बन जाए, और म्यू नॉट इंटू आई का मतलब वो फील्ड की वैल्यू जो आयरन के अंदर जनरेट हो गई। आई को म्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये फील्ड कौन जनरेट करेगा, आयरन। तो यही किया मैंने कि मैंने सोलेनोइड में बी कितना जनरेट करवाया था, म्यू नॉट इंटू एच, और आयरन के पीस में क्या डेवलप हो गया था, म्यू नॉट इंटू आई। ये फील्ड बी टेस्ला किसका, आयरन का, ये टेस्ला किसका, सोलेनोइड का। तो टोटल इतने टेस्ला आंसर आ गया, ये बी आ गया। म्यू नॉट कॉमन निकालो, काई क्या था, आई बाय एच, आई क्या है, काई इंटू एच, आई की जगह वैल्यू पुट कर दो एच इंटू काई, एच बाहर आ गया, बी बाय एच इज म्यू नॉट इंटू 1+ काई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, यहां तक वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं। नेक्स्ट,
अब ध्यान से देखना, यहां पर ये बी और ये एच आ गया। अब ये बी का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर बी नॉट लिखता हूं तो वो म्यू नॉट इन टू एच आ जाएगा, लेकिन अगर मैं बी लिखता हूं तो यहां पर ये मीडियम की बात कर रहा है। बी का मतलब इसके पैर में कुछ नहीं तो मीडियम है, म्यू एम इन टू एच, तो यहां से बी बाई एच क्या आ जाएगा, म्यू एम आ जाएगा। तो आप चेक करो इन दोनों की रेशियो को, क्या लिखा, म्यू, म्यू के पैर में कुछ नहीं तो इस अंडरस्टूड है मीडियम, डाल लो म्यू एम कर लो, इसके पैर में एम डाल लो, म्यू के पैर में एम कर लो, यहां पर करेक्शन कर लो, नहीं भी करोगे पता है लग ही रहा है मीडियम है, तो म्यू के पैर में एम, नीचे वाले स्टेप में भी करो म्यू एम बाई म्यू नॉट, म्यू एम बाई म्यू नॉट। और हमने आज पहली डेफिनेशन की थी म्यू एम बाई म्यू नॉट को क्या लिखते थे, म्यू आर। तो ये फॉर्मूला नोट करो, बॉक्स में डालो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डाउट है चेतना? चेतना ठीक ठीक यहां तक तो ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब हम क्या करेंगे, जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो कई तरीके के होते हैं, उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है, और हमने क्लासिफाई किया मैग्नेटिक मटेरियल्स को तीन पार्ट्स में। पहला डायमैग्नेटिक, दूसरा पैरा, तीसरा फेरो। इनमें क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है, पहले एक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस मैं बताता हूं। केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते भी यहां पे ये पैरा फेरो, तो कोई मुझे बता सकता है कि फेरो, पैरा और डाया में क्या फर्क है? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन डिफरेंट होती है, स्पिन और वो मोशन होती है जो, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अनपेयर्ड से पढ़ते हो, ठीक है। तो देखो फिर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में या पैरा में या फेरो में, पहले मेन डिफरेंस देख लो। सबसे मेन डिफरेंस, मुझे नहीं पता आप केमिस्ट्री में कैसे पढ़ते हो, फिजिक्स वालों के पॉइंट ऑफ व्यू देख लो, कि मान लो आपके पास तीन सब्सटेंस हैं, ये आयरन का एग्जांपल है और ये फेरो है। फेरो के अंदर बहुत सारे एटम्स, लाखों करोड़ों एटम्स हैं, एटम्स ही एटम्स हैं। ऐसी पैरा, पैरा के अंदर भी बहुत सारे एटम्स ही एटम्स हैं, लाखों करोड़ों एटम्स हैं। नेक्स्ट इज डाया, डाया के अंदर भी बहुत सारे एटम्स हैं, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं, तीनों के एटम में क्या क्या डिफरेंस है। किसी भी एक एटम में इलेक्ट्रॉन घूम रहे, जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो करंट जनरेट हो जाता है, तो वो डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है। हमने लास्ट टाइम डेरिवेशन की थी एक इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, ईवीआर बाय टू। फिर हमने एल की फॉर्म में भी निकाला था एंगुलर मोमेंटम, पर ईवीआर बाय टू को डाउट इसमें। तो कैपिटल एम जनरेट करता है घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इसमें भी घूम रहा है, तो इस एटम का कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट तो होता ही होगा। तो ये एरो क्या शो कर रहा है, कैपिटल एम, कैपिटल एम का मतलब डायपोल मोमेंट वेक्टर। तो जिन भी एटम का डायपोल मोमेंट एरो है, इसका मतलब दे आर एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट, ये एक मैग्नेट की तरह एक एटम एक्ट करता है। डाउट इसमें क्यों करता है, उसका रीजन पिछले लेक्चर में किया, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो कैपिटल एम जनरेट करता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन तो यार इसका भी घूमता है तो ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसका भी कोई ना कोई डायपोल मोमेंट होता है, और ये एक एक एटम भी एक मैग्नेट की तरह काम करती है। तो इसमें लाखों करोड़ों एटम्स, लाखों करोड़ों मैग्नेट्स हैं, एक एक एटम मैग्नेट है, लाखों करोड़ों मैग्नेट्स हैं। तो फिर लोहा मैग्नेट क्यों नहीं, क्योंकि फेरो का एग्जांपल क्या है, आयरन, पैरा का एल्यूमिनियम, डाया का कॉपर, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो लोहे का पीस अट्रैक्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि आपस में सारे एम क्या हो जाते हैं, कैंसल, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जिस वजह से सारे अगर कैपिटल एम कैंसिल हो जाए तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या जाता है, जीरो। पर इनका एक एक एटम एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट, कोई डाउट? फिर सेम रूल इसमें, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्यों है, मैग्नेट क्यों नहीं है, क्योंकि इनका भी कैपिटल एम आपस में कैंसिल। आपको फिर फर्क क्या है, फर्क ये है ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, इसका एटम बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, इसका थोड़ा सा वीक मैग्नेट है तो वही रिलेशन बड़ा भाई छोटा भाई वाला,
पर लेकिन नेचर सेम है दोनों की, पर प्रॉब्लम यह है कि एक स्ट्रांग है और एक थोड़ा वीक है। ये इनकी कैटेगरी का नहीं है। इनके एटम में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है और कैपिटल एम जनरेट होना चाहिए, क्यों जनरेट होना चाहिए? बिकॉज दे बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, क्योंकि डायमैग्नेटिक भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है। बट इनका इलेक्ट्रॉन कैपिटल एम जनरेट नहीं करवा पाता, मैं एरो नहीं बना सकता इसमें, ये मैग्नेट नहीं है। इनके लाखों करोड़ों एटम मैग्नेट हैं, इनके लाखों करोड़ों एटम एक एक एटम मैग्नेट है, लेकिन इनके अंदर एटम्स मैग्नेट नहीं है, इनका कोई डायपोल मोमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता उसका आंसर दूंगा मैं। तो इनको तो कैंसिल करने का चांस ही नहीं है, तो कॉपर तो वैसे ही अट्रैक्ट नहीं करता किसी को, तो इसलिए वो कॉपर कॉपर की तरह काम करता है। पर क्वेश्चन ये अराइज होता है, इनको तो मैग्नेटिक सब्सटेंस बोला जा सकता है क्योंकि इनके एटम बाय नेचर बाय डिफॉल्ट मैग्नेट्स हैं। फिर ये किस खाते में मैग्नेटिक सब्सटेंस है, क्योंकि ये तो जरा मैग्नेट भी नहीं है, पर फिर भी इसको कह रहे हैं इट इज अ मैग्नेटिक सब्सटेंस, फिर ऐसा क्यों? ये तो मान लिया ये तो एटम मैग्नेट है भाई, इनके तो बाय नेचर मैग्नेट ही मैग्नेट है इसके अंदर भरा हुआ, इसमें क्यों नहीं है? ये मैग्नेट कैसे हुआ फिर? फिर तो किसी को भी एंटर कर दो। लॉजिक कोई अंदाजा ही लगा लो। सही आंसर। अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड में रख दूंगा तीनों को, ये तो पहली मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, इसलिए ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है। और अगर ये एक्सटर्नल फील्ड में रखने के बाद भी मैग्नेट ना बनता, फिर ये गारंटेड है मैग्नेटिक सब्सटेंस है ही नहीं। पर क्योंकि इसकी नेचर है ये करता है और ये मैग्नेट बन जाता है, इसलिए ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है। अभी नहीं लग रहा, लेकिन थोड़ी देर में लगना स्टार्ट हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? यानी कि तीनों के तीनों एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिएक्ट करते हैं, ठीक, रिएक्ट करेंगे, दे विल बिकम मैग्नेट, चाहे एटम मैग्नेट नहीं है तो भी मैग्नेट बन जाएगा थोड़ी देर में। कोई डाउट इसमें? पर बाय डिफॉल्ट नहीं होता, ये तो बात पक्की है। तो डाया मैग्नेटिक सब्सटांस के अंदर लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हो, डाया मैग्नेटिक सब्सटांसेज आर दोज इन विच इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल डू नॉट पोजेस, करो करेक्शन, प्रोसेस नहीं है, पोजेस। ठीक, डू नॉट पोजेस नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑन देयर ओन। तो इनके एटम या मॉलिक्यूल का अपना कोई डायपोल मोमेंट नहीं होता, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम नीचे आ जाएं और पैरा की डेफिनेशन पढ़ें, तो वो कहता है ईच इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल हैज अ नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट ऑन देयर ओन। इसका मतलब उनके एटम का कोई ना कोई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। कोई डाउट इसमें? ये जितने भी डायग्राम बने हुए हैं, पांच पांच प्रॉपर्टीज हैं डाया और पैरा की या फेरो की, कोई ऐसा पेपर नहीं एनसीईआरटी का जिसमें इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आया हो। हर साल आता है, इस साल भी आया है, ये भी सुन लो, 19 में भी आया, 18 में भी आया है, 17 में भी आया है, आना ही आना है। तो जो मैं पांच प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूं, आपको कुछ तो नंबर दिलवाई देगी। देखो, तो पैरा मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी है, पैरा की या फेरो की एक जैसी नेचर होती है, एक स्ट्रांग है एक वीक है, पर नेचर एक जैसी है। ये इनको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो इनके सारे एटम एक तरफ अलाइन हो जाते हैं एंड स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट। पैरा और फेरो जब मैग्नेट बन जाते हैं तो ये पसंद करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन होना,
राइट, इनकी नेचर है, ये खुद चाहते हैं कि मैं मैग्नेट बन जाऊं, ठीक, वो बन नहीं पा रहे क्योंकि कैपिटल M कैंसिल हो रहा था, पर लेकिन अंदर लाखों करोड़ों मैग्नेट्स हैं, तो एक तरफ अलाइन हो जाती है और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड में रहना भी पसंद करते हैं। तो मैं कुछ एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूं जिन पे क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे बिहेव करेंगे जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा। तो किसी ने इनको धागे से टांग दिया पैरा को और एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, तो उसने ये देखा ये खुद मैग्नेट बना और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो गया, साथ ही चल पड़ा, ठीक। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया, इसको पाउडर की फॉर्म में लिया, पाउडर को क्रश करके यहाँ पे ये जो किसी सब्सटेंस को क्रश करके पाउडर बना के यहाँ रख दिया, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो ये देखा गया सारा पाउडर एक ढेरी बना लेता है यहाँ पे जहां पर फील्ड बहुत स्ट्रांग है और जहां वीक है वहां से उठ के स्ट्रांग की तरफ आ जाता है, यानी कि ये सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में रहना पसंद करते हैं। फिर एक्सपेरिमेंट किया तीसरा, किसी ने इनको लिक्विड फॉर्म में ले लिया, बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया यहां पर, तो उन्होंने देखा ये लिक्विड का लेवल ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो गया, ये शो कर रहा था कि जहां स्ट्रांग फील्ड है वहां पर ये अलाइन होना स्टार्ट हो गए, वहां रहना पसंद करते हैं जहां फील्ड स्ट्रांग है। फिर ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर किसी ने कहा कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बना के दिखाओ, तो ये देखा गया कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सारी की सारी इनके अंदर से पास होती है, तो यानी कि लाइंस ये चाहते हैं कि ये फील्ड में रहें और ये फील्ड के साथ अलाइन होते हैं और सारी लाइंस को अपने अंदर से क्रॉस होने देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिस पे क्वेश्चन एक और आता है, ये बॉक्स में डालो, इनकी रिलेटिव परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1 होती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इनका म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अब अगर म्यू आर ग्रेटर देन 1 है, इंपॉर्टेंट है, देख लो इधर, अगर म्यू आर ग्रेटर देन 1 है तो काय की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ये 3, 4, 5 कुछ भी होगा तो काय पॉजिटिव, बॉक्स में डालो, इनका काय पॉजिटिव है, ठीक। काय पॉजिटिव का मतलब सब्सटेंस या तो पैरा या फिर फेरो, फेरो का काय बड़ा होगा, पैरा का थोड़ा छोटा होगा, लेकिन होंगे दोनों पॉजिटिव। क्वेश्चन सुनो क्या आता है, कंसिडर अ सब्सटेंस एक्स हूज काई की वैल्यू इज ग्रेटर, इज काई की वैल्यू इज पॉजिटिव, बताएगा नहीं कि कौन सा सब्सटेंस है, काई पॉजिटिव दे दिया, अब वो कहेगा ड्रॉ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उस सब्सटेंस के लिए, ये लो। अब जिसको याद नहीं प्रॉपर्टीज, पहले तो काई पॉजिटिव किसका है, पैरा या फेरो का, फिर दूसरी प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, फिर यह क्वेश्चन आएगा डायग्राम देखते हुए बताओ ये कौन सा सब्सटेंस है, पैरा या फेरो, क्योंकि साई लाइन इनके बीच में से क्रॉस हो रही है, मतलब इन प्रॉपर्टीज पे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, इनको पक्का याद करना है, राइट। फिर उसी तरीके से ऊपर आ जाओ डाया, अब सेम एक्सपेरिमेंट डाया के लिए किए, डाया का एग्जाम्पल है कॉपर एंड गोल्ड, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, इनको फिर से टांगा गया बार मैग्नेट की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड में, ये कहते हैं हम तो अलाइन होते नहीं, ना हम इधर जाएं ना हम इधर जाएं, नाराज हो जाते हैं, लड़ते हैं, ये 90 डिग्री पे आ गए, इधर जाना ही नहीं हमने फील्ड के साथ, 90 डिग्री का मतलब अपोजिशन शो करना, तो ये अपोजिशन शो करते हैं, जब इनको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो अलाइन नहीं होते, 90 डिग्री पे आ जाते हैं, कोई बात नहीं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखो, जो जो शो करता है कि ये फील्ड से दूर भागते हैं, इनको पाउडर फॉर्म में ले लिया, यहां फील्ड स्ट्रांग था, यहां सारा पाउडर खाली हो गया या हो जाएगा थोड़ी देर में, और जहां वीक है वहां पर शिफ्ट हो गया, इसका मतलब ये स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में रहना पसंद नहीं करते, ये वीक की तरफ भागते हैं, लिख लेना यहां पर स्ट्रांग है यहां पर वीक, और लिख लेना इट मूव टुवर्ड वीकर पार्ट, लिखा हुआ है वीकर पार्ट, क्लियर है, ठीक। सेकेंड प्रॉपर्टी क्लियर है, तीसरा इनको लिक्विड फॉर्म में ले लिया और यहां पर स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया, उल्टा हो गया, अगर पैरा या फेरो होते ना तो स्ट्रांग की तरफ भागते, ये उल्टा स्ट्रांग से दूर भाग रहे हैं, तो लेवल बढ़ने के बजाय लेवल नीचे गिर गया और दूर जाता गया जहां फील्ड वीक था। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नेक्स्ट, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पे क्वेश्चन आता है, एक भी लाइन मैग्नेटिक की इन में से क्रॉस नहीं हो पाई, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं और ये एक भी लाइन को अपने अंदर से क्रॉस नहीं होने देते, तो ऐसा डायग्राम मिला बना मिलेगा आपको, आइडेंटिफाई करो कौन सा सब्सटेंस है, आप बोलेंगे ये डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस है, क्योंकि लाइन कोई इसमें से क्रॉस नहीं हो रही। और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बॉक्स में डालना है, म्यू आर इज लेस देन
वन, पैरा और फेरो का ग्रेटर देन वन, इनका लेस देन वन, कोई डाउट इसमें? तो ये लेस देन वन, तो अगर ये लेस देन वन है तो ऑब्वियसली काई क्या आएगा इनका, नेगेटिव, बॉक्स में डालो काई नेगेटिव होता है इनका, तो पैरा और फेरो का काई पॉजिटिव, इनका काई नेगेटिव, तो क्वेश्चन आएगा कंसिडर अ सब्सटेंस जिसका काई नेगेटिव है, समझना पड़ेगा वो एक डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इन प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, अब ये ऐसे बिहेव क्यों करते हैं, अब उसका आंसर ढूंढेंगे। आंसर से पहले एक चीज और देख लेते हैं इसमें, चलो पहले यही करते हैं, इलेक्ट्रॉन थ्योरी करते हैं। फेरो तो मैंने बता दिया क्या होता है, फेरो में कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, देखो ध्यान से देखना है, 2-3 मिनट की बात है टोटल, और सारी थ्योरी यहीं से क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले मान लो मैं एग्जांपल डाया मैग्नेटिक का लेता हूं, डाया का कोई भी एटम लो, ये उसका न्यूक्लियस है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जब भी न्यूक्लियस में घूमेगा तो वो कैपिटल एम जनरेट करेगा, ई वी आर बाई टू हमने किया भी था, कैपिटल एम इज ई वी आर बाय टू। ठीक, इलेक्ट्रॉन जब भी ऑर्बिट में घूमेगा उसकी दो मोशंस होती हैं, एक ऑर्बिटल मोशन और एक स्पिन मोशन। ऑर्बिटल मोशन अगर क्लॉकवाइज है, स्पिन मोशन उसके ऑपोजिट एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक, ऑर्बिटल मोशन में इलेक्ट्रॉन घूम रहे और कैपिटल एम जनरेट करवा रहे। मान लो ऑर्बिटल मोशन ने कैपिटल एम जनरेट करवाया ऊपर, और स्पिन मोशन क्योंकि एग्जैक्टली ऑपोजिट इन नेचर है, अगर ऑर्बिटल क्लॉकवाइज है तो स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो भी कैपिटल एम जनरेट करवाएगा। तो ये ऑर्बिटल का एम है और स्पिन मोशन उल्टा एम जनरेट करवाती है जिसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में कैपिटल एम जनरेट करते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि ऑर्बिटल और स्पिन मोशन सेम एम जनरेट कर जाते हैं, तो नेट एम क्या जाता है, जीरो। इसलिए ये मैग्नेट की तरह इनका एटम एक्ट नहीं करता। समझ में आ गया, ऐसा क्यों नहीं करता, क्योंकि ऑर्बिटल और स्पिन मोशन सेम अमाउंट का एम इन ऑपोजिट डायरेक्शन जनरेट कर जाते हैं। ठीक, लेकिन अगर ये सब्सटेंस डाया की जगह पैरा होता, पैरा मैग्नेटिक, तो फिर एक मान लो ऑर्बिटल मोशन अगर 10 जनरेट करवा रहा है तो ये 2 करवा रहा है, तो फर्क आता है, सेम नहीं जनरेट होते, इसलिए नेट कैपिटल एम जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ तो आएगा, 8 आएगा। इसका मतलब ये एटम एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, यहां तक डाया में कैंसिल हो जाते हैं, पैरा में कैंसिल नहीं होते। फेरो में अफेक्ट और ज्यादा है, अगर ये सब्सटेंस क्या होता, फेरो, तो फेरो के अंदर कैपिटल एम 20 और 2, तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट काफी ज्यादा आएगा, तो अफेक्ट थोड़ा स्ट्रांग होगा, पैरा में वीक होगा, फेरो में स्ट्रांग होगा। तो रीजन समझ में आ रहा है कि किसी का एटम मैग्नेट क्यों है और डाया मैग्नेटिक का एटम मैग्नेट क्यों नहीं है, कोई डाउट इसमें? ठीक, अब इस चीज का आंसर ढूंढते हैं, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो फिर डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेट कैसे बन जाता है? पैरा और फेरो तो पहले ही मैग्नेट थे ना, डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस में ऐसा क्या होता है कि वो मैग्नेट बन जाता है? ये देखो, सपोज ये दो मोशंस हैं और एक मोशन ऑर्बिटल मोशन है, एक मोशन स्पिन मोशन है, तो ऑर्बिटल जो है अगर क्लॉकवाइज है, स्पिन मोशन एंटी क्लॉकवाइज है। दो डायग्राम अलग अलग बनाए हैं पर वही न्यूक्लियस है और वही एक को अलग करके दिखाया है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब आगे देखो, तो साफ पता लग रहा है डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस में कैपिटल एम और कैपिटल एम आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसल, ताकि नेट कैपिटल एम क्या आ जाए, जीरो। ठीक, अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, मान लो कर दिया, तो मैंने कैपिटल बी अप्लाई किया नीचे की तरफ, अब इमेजिन करो, ध्यान आगे प्लीज, बी अप्लाई किया तो ये चार्ज पार्टिकल
कैपिटल भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जैसे मान लो इस फिगर में इलेक्ट्रॉन बोर्ड के अंदर जा रहा है, इनसाइड जा रहा है, राइट, ऐसे घूम रहा है, ऐसे बी कैसे है, ऐसे है, इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, ऐसे, पर हम सेंट्रल फिंगर इलेक्ट्रॉन के साथ कभी लेते नहीं, करंट ले लो, करंट ऑपोजिट होगा, तो फोर्स कहां लगेगी, आउटसाइड, बी नीचे है, करंट ऑपोजिट है इलेक्ट्रॉन के, फोर्स आउटसाइड, तो इट विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स आउटसाइड, क्लियर। तो स्पिन मोशन सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेगी लेकिन इनसाइड, क्यों, क्योंकि ऑर्बिटल की वेलोसिटी अंदर है तो स्पिन की बाहर है, कोई डाउट इसमें, तो दोनों में ऑपोजिट इफेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब क्या हुआ, इसमें ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास क्यों घूमता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करती है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स ने उस फोर्स की वैल्यू के ऑपोजिट काम करना शुरू कर देना है, जिससे कि सेंट्रीपिटल फोर्स थोड़ी सी कम हो जाएगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स इज एमवी स्क्वायर बाय आर। अगर नेट सेंट्रीपिटल कम हो गई, क्यों कम हो रही है, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल के ऑपोजिट काम कर रहा है और ये कम कर रहा है इसे, तो सेंट्रीपिटल जब कम होगी तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, और अगर वेलोसिटी कम होगी तो कैपिटल एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी कम हो जाएगा। तो देखो कैपिटल एम की जगह एम माइनस डेल्टा थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन इसमें अफेक्ट उल्टा हो गया, इसमें मैग्नेटिक फोर्स इनसाइड हो गई, सेंट्रीपिटल के साथ जा रही है, सेंट्रीपिटल बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी और कैपिटल एम बढ़ जाएगा। तो अब नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या आएगा, इसमें से इसे माइनस करें, कम से कम जीरो तो नहीं आएगा, क्या आएगा, टू इंटू डेल्टा एम, यानी कि कुछ तो मैग्नेटिक मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। लेकिन अगर मैं बी हटा दूं, बी हटा देता हूं तो एफ हट जाएगा, एफ हटेगा तो सेम वी, वी आएगा तो अगेन एम, तो डायग्राम सेम बन जाएगा, फिर इसका जो एटम है विल नॉट एक्ट लाइक अ मैग्नेट। तो एक रीजन देने की कोशिश की है कि जब हम कैपिटल बी अप्लाई करते हैं तो फिर वो एटम मैग्नेट की तरह क्यों एक्ट करता है, क्योंकि इस पे मैग्नेटिक फोर्सेस एक्ट करती हैं जो उसके अंदर वेलोसिटीज और कैपिटल एम को चेंज कर देती हैं, जिस वजह से इट एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट। तो आपके एक लॉजिक समझ में आ गया कि मैग्नेट की तरह क्यों काम करता है। तो फिजिक्स वालों का एक्सप्लेनेशन केमिस्ट्री वालों से थोड़ा डिफरेंट रहता है, केमिस्ट्री वाले अपने किसी स्पिन में कुछ ज्यादा डिटेल में चले जाते हैं, पर फिजिक्स वाले फोर्स के साथ ही काम करते हैं और फोर्स से समझा देते हैं वेलोसिटी कम ज्यादा कैसे होगी। पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, पैरा और फेरो, पैरा और फेरो इनके एटम्स में क्या डिफरेंस है, देखने में भी पता लग जाता है, ध्यान ध्यान से आगे देखो। पैरा के एटम मैग्नेट की तरह काम करते हैं, कुछ ऐसे ओरिएंट होते हैं सच दैट इनका नेट अफेक्ट कैपिटल एम क्या हो जाएगा, कैंसल, और ये मैग्नेट की तरह ओवरऑल काम नहीं करते, पर इनका एक एक एटम मैग्नेट है। पर आप अगर इन्हें एक्सटर्नल फील्ड में रखें, सारे के सारे ओरिएंटेशन चेंज करेंगे, दिस विल एक्ट लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। डायग्राम से समझ में आ रहा है यहां तक। उसी तरीके से फेरो, फेरो का फिगर पैरा से थोड़ा डिफरेंट है। फेरो के अंदर आप ध्यान से देखो, फेरो के अंदर ये डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम ये शो कर रहा है, ये वॉल्यूम्स हैं, आयरन है जैसे, लोहा है, लोहे के अंदर वॉल्यूम्स हैं, उन वॉल्यूम को वॉल्यूम नहीं बोलते, उनको डोमेन बोलते हैं, ये डोमेन्स हैं अलग अलग। उसमें क्या था, पैरा में एक एटम का डायपोल मोमेंट इधर जा रहा है, किसी का इधर जा रहा है, किसी का इधर, किसी का इधर, रेंडम है। फेरो के अंदर क्या होता है, अगर ये वॉल्यूम है, इसमें अगर 100,000 एटम है, सभी के सभी डायपोल मोमेंट एक तरफ ही होते हैं, तो आप कहोगे तो मैग्नेट बन गया, नहीं मैग्नेट नहीं बना ना, कोई ना कोई पोर्शन 100,000 एटम का पीछे कहीं जरूर एग्जिस्ट करता होगा, क्योंकि 100,000 एटम का 100,000 एटम से डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, कैंसल। पैरा में क्या था, एक एटम कैंसल, इसमें 1,000 कैंसल, ग्रुप ग्रुप के साथ फाइट करता है और कैंसल, उसमें एक एक को कैंसिल करता है, तो इसमें अफेक्ट थोड़ा सा बड़ा है। क्लियर है यहां तक। तो जब आप इन्हें मैग्नेटाइज करते हो बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो आप देखेंगे धीरे धीरे ये डोमेन अपने साथ साथ वाली डोमेन को मिला लेगा और ये डोमेन बड़ी हो जाएगी। देखो ना, एक तरफ लाइन होते जा रहे हैं,
फिर ये डोमेन इसको मिला लेगा तो डोमेन बड़ी हो जाएगी, ये इसको मिला लेगा फिर इसको मिला लेगा, फिर सब्सटेंस कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो जब एक डोमेन दूसरी डोमेन को अपने अपने अंदर मिला लेती है, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को, ताकि सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो जाए, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सचेंज कपलिंग। मार्क कर लो, एक्सचेंज कपलिंग। क्या स्टेप क्लियर है? समझ में आ गया एक्सचेंज कपलिंग? एक डोमेन जब सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो रहा है तो एक डोमेन दूसरी डोमेन को मिला रहा है, दूसरा तीसरे को, फिर ये बड़ी बनती जा रही है और ऐसा हो जाएगा। इस प्रोसेस को धीरे धीरे मैग्नेटाइज, जब ये मैग्नेटाइज हो रहा है, एक्सचेंज कपलिंग बोलते हैं। ठीक। अच्छा, इसमें एक स्टेप और है, ये वाला लाइन अंडरलाइन कर सकते हो। अगर आपका सब्सटेंस फेरो है, स्ट्रॉन्ग है, आप उसे हीट करो, हीट करने से फेरो सब्सटेंस कमजोर हो जाता है और वो क्या बन जाएगा, पैरा। ठीक, हीटिंग से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म होती है। तो पैरा एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, आप जब फेरो को गर्म करोगे, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसका नाम है क्यूरीज टेम्परेचर या क्यूरीज पॉइंट, जिसके बाद फेरो किस में कन्वर्ट हो गया, पैरा। ठीक, तो एक क्यूरीज पॉइंट है। देखो, क्यूरीज पॉइंट में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब गर्म करते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम हो जाती है और सब्सटेंस फेरो से पैरामैग्नेटिक बन जाता है। उस टेम्परेचर को जब फेरो पैरा में बन जाता है, क्यूरीज पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्यूरीज लॉ इन मैग्नेटिज्म, क्यूरीज लॉ के अकॉर्डिंगली दो लाइनों का क्यूरीज लॉ है कि नवी क्लियर है आए कोई सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज होता है, ध्यान आगे, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा वो कम, उतना ही कम मैग्नेटाइज होगा। एंड कितना आपने बी अप्लाई किया उस पे भी डिपेंडेंट है, क्योंकि जो आए सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ वो डिपेंड करेगा आपने फील्ड कितना अप्लाई किया और वो डिपेंड करेगा कि आपने कितना टेम्परेचर। लेकिन बी फर्दर किस पे डिपेंडेंट है, एच पे। तो एक काम करते हैं, बी की जगह एच कर लेते हैं। आई अपॉन एच क्या होता है, काई। तो काई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सब्सटेंस की काई की वैल्यू कम हो जाएगी और हो सकता है फेरो किस में कन्वर्ट हो जाए, पैरा में, क्योंकि फेरो का काई बड़ा होता है, पैरा का कम होता है और एक कॉन्स्टेंट आएगा, क्यूरीज कॉन्स्टेंट। कोई डाउट इसमें? और आज का लास्ट टॉपिक हिस्टेरेसिस, खत्म हो जाएगा। दोनों बैचेस को हिस्टेरेसिस के अंदर 2 मिनट या 3 मिनट का प्रोसेस है, ध्यान से देख लो प्लीज, बिल्कुल फोकस आगे रखना है और बस ये लास्ट टॉपिक इसको खत्म करेंगे। हिस्टेरेसिस के अंदर ध्यान आगे, किसी स्टूडेंट ने मेरे को आयरन का पीस दिया, उसने कहा इसको मैग्नेट बनाना है, तो मैंने कहा ठीक है सोलेनोइड में रखेंगे। मैंने सोलेनोइड लिया, आयरन का पीस बीच में रखा, करंट सेंड किया और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया। ठीक, इसके अंदर लाखों करोड़ों एटम्स थे, उनकी ओरिएंटेशन ऐसे होने, वो कोशिश करेंगे एक तरफ हो जाए ताकि सब्सटेंस क्या हो जाए, मैग्नेटाइज। ठीक, तो मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा साथ साथ एच का और आई का। एच का मतलब मैंने कितना फील्ड अप्लाई किया, एन या आई कुछ भी इंक्रीज करके, और आई का मतलब सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ। कोई डाउट इसमें?
तो मैंने इसमें एच की वैल्यू को इंक्रीज करना है और सब्सटेंस मैग्नेटाइज होगा, मैं आई की वैल्यू को नोट करूंगा। हमने डिस्कस किया था अगर मैं एच की वैल्यू को बढ़ाऊंगा बढ़ाऊंगा इंक्रीज कर रहा हूं मैं, तो सबको पता है सब्सटेंस भी मैग्नेटाइज होगा, आई भी बढ़ेगा। अब एच बढ़ाया आई बढ़ा, एच बढ़ाया आई बढ़ा, एच बढ़ाया आई बढ़ गया। अब इसकी लास्ट वैल्यू आ गई, क्योंकि इसके बाद आप कितना भी एच बढ़ा लो आई की मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है, इससे ज्यादा आई वो इंक्रीज नहीं कर सकता। कोई डाउट इसमें? हाँ जी ठीक है, यहां तक। इससे वो आई की वैल्यू इंक्रीज नहीं कर सकता, ठीक। अब एच की वैल्यू क्योंकि मैंने बढ़ानी स्टार्ट की, एच की तो कोई लिमिट ही नहीं ना, जो मर्जी करते जाओ, पर आई लास्ट वैल्यू अचीव कर गया। अब उस स्टूडेंट ने कहा कि मेरे को एक काम करो, वो लोहे का पीस वापस कर दो। पर मैंने कहा यार वो मैग्नेट बन गया है। कहता कैसे? मैंने कहा देख मैंने एच अप्लाई किया था उसमें आई आ गया। आप कहते खत्म कर दो। तो मैंने ठीक है, मैंने करंट को बंद कर देते हैं सोलेनोइड में, एच को जीरो करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो जब मैंने एच को कम किया और एच को क्या कर दिया, जीरो, तो मेरी तरफ से फील्ड जीरो। तो मुझे लगा कि आई की वैल्यू भी क्या होगी, कम, बिल्कुल कम हुई, लेकिन वो जीरो नहीं हुई। इसमें कुछ ना कुछ अभी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। उसने कहा ये क्या चक्कर है, आयरन का पीस दिया था आपने, मैग्नेट वापस कर रहे हो। तो मैंने कहा देख आयरन बहुत स्ट्रांग मैग्नेट है, वो क्योंकि एक बार मैग्नेटाइज हो गया, लाखों करोड़ों एटम एक तरफ ओरिएंट हो चुके हैं। अब तुम कह रहे हो जीरो कर दो और सारे कह रहे हैं लाखों करोड़ों वापस अपने पोजीशन पे चले जाएं, तो इतनी जल्दी नहीं जाएंगे, ये तो एटमॉस्फेयर की हीट लेंगे, गर्मी मिलेगी उन्हें, तो जाके एनर्जी मिलेगी, तब वो घूमेंगे, तो कई दिन लग जाएंगे इसको सेट होने में। इवन अगर आप पेचकस को भी रगड़ते हो ना, तो कई दिन तक मैग्नेट बना रहता है वो। तो आयरन एक बार जब मैग्नेट बन जाता है ना, बहुत जल्दी जल्दी वापस आयरन नहीं बनता, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं उसके अंदर, क्लियर। तो मैंने एच को जीरो कर दिया, पर अभी भी सब्सटेंस में आए प्रेजेंट है, लोहे का पीस ही अभी वो। उसने कहा मेरे को तो लोहे का पीस वापस दो। मैंने कहा यार कैसे दें, अब एच को जीरो कर दिया, अब क्या करें। पर कहता चाहिए मुझे वो लोहे का पीस। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एच को एच की डायरेक्शन चेंज कर दी। मतलब अगर करंट पहले ऐसे था, मैंने करंट घुमा दिया उल्टा। क्यों? क्योंकि अगर फील्ड पहले ऐसे था, अब फील्ड ऐसे कर दिया। वो क्यों? क्योंकि जो इस तरफ अलाइन थे एटम, मैं चाहता हूं अब वो अपनी ओरिएंटेशन ब्रेक करेंगे तभी बात बनेगी, वो सारे ऐसे सेट हो रखे हैं। और जब मैंने फील्ड उल्टा अप्लाई किया तो क्या हुआ, उनकी ओरिएंटेशन चेंज होनी स्टार्ट हो गई। चेंज होने का मतलब वो एक तरफ थे जो कैपिटल एम में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, तो उनका फील्ड कम होना स्टार्ट हो गया और अल्टीमेटली आई जीरो हो गया। तो एक बार आयरन या कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस जब मैग्नेट बन जाता है, उसको वापस आयरन बनाने के लिए आपको उल्टा फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, एच जीरो से काम नहीं बनेगा। तो आपने एच उल्टा अप्लाई किया तो जाके आई की वैल्यू क्या हुई, जीरो। अब वो आयरन का पीस बन चुका है। उसने कहा जब आपने उल्टा फील्ड अप्लाई करना शुरू कर ही दिया और कर दो। तो मैंने कहा ले फिर, और किया, अब उसका आई फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि पहले उसके सारे एटम ऐसे ओरिएंट थे, अब वो सारे एटम ऐसे ओरिएंट हो जाएंगे, अब वो उल्टा मैग्नेट बन जाएगा। तो वो उल्टा मैग्नेट बन गया और आई की मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो गई। उसने कहा मेरा लोहे का पीस वापस करो। अब लोहे का पीस वापस करने के लिए एच मैंने जीरो करना है, पर मैं जीरो करूंगा आई जीरो नहीं हो पाएगा, अभी भी इसमें आई प्रेजेंट है, और आई को जीरो करने के लिए मेरे को उल्टा एच। तो मैंने फिर एच अप्लाई किया इन ऑपोजिट डायरेक्शन और आई क्या हो गया, जीरो। उसने कहा ऐसे करते रहो। तो ऐसे करता रहा मैं, एच बढ़ाया, सब्सटेंस में कुछ आई आया, और फिर आई एच जीरो किया, फिर उल्टा किया, फिर आई जीरो हुआ। तो ये साइकिल चलता गया। मतलब मैं आयरन को पहले इधर मैग्नेट बना रहा हूं, फिर को आयरन बना रहा हूं, फिर इधर मैग्नेट बना रहा हूं, फिर आयरन बना रहा हूं, फिर इधर मैग्नेट बना रहा हूं, फिर आयरन बना रहा हूं। तो मैं सब्सटेंस को मैग्नेटाइज डी मैग्नेटाइज कर रहा हूं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्लियर यहां तक? तो बार बार मैग्नेट बनाना, डी मैग्नेट बनाना, मैग्नेट डी मैग्नेट, साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इस पूरे प्रोसेस में एच मैं पहले बढ़ाता हूं, फिर आई बढ़ता है, एच जीरो करता हूं, आई जीरो नहीं होता, एच उल्टा बढ़ाता हूं, आई जीरो होता है, फिर एच जीरो करता हूं, आई जीरो नहीं होता, एच उल्टा करता हूं, आई जीरो होता है। मतलब इस पूरे प्रोसेस में कौन पीछे चल रहा है, आई, कौन आगे चल रहा है, एच,
हम बोलते हैं फिनोमिना ऑफ लैगिंग ऑफ आई, आई का पीछे रहना, किससे? एच से. व्हेन स्पेसिमेन, लोहे का पीस ऑफ अ मैग्नेटिक मटीरियल इज सब्जेक्टेड टू साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, करेक्शन है, मैग्निफिकेशन नहीं, मैग्नेटाइजेशन, साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? हिस्टेरेसिस. तो हिस्टेरेसिस को कैसे डिफाइन करना है? कि एच का नहीं, आई का पीछे रहना, लैग करना, किससे? एच से, इन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन. साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब सबस्टार्स का मैग्नेट, डी मैग्नेट, मैग्नेट और डी मैग्नेट बनना. क्लियर यहां तक? इसको हिस्टेरेसिस बोलते हैं. दो इंपॉर्टेंट टर्म्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म जो आपने सीख के जानी है, जिसपे क्वेश्चन आएंगे. जब ये ग्राफ मैंने ऐसा बनाया, ये ध्यान से देखना प्लीज सारे आगे बोर्ड पे, जब मैंने एच जीरो किया, जीरो किया, अभी भी इसके अंदर आई की वैल्यू प्रेजेंट है. ये बचा हुआ मैग्नेटिज्म है, और बचे हुए मैग्नेटिज्म को क्या बोलते हैं? रेजिडुअल मैग्नेटिज्म. तो वो आई की वैल्यू, वो आई की वैल्यू जो कब प्रेजेंट है, जब मैंने एच को क्या कर दिया? जीरो. उसको बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, या फिर रिटेंटिविटी. करेक्शन करो, टी आएगा, रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी. ठीक, तो वो आई की वैल्यू जब एच जीरो है, रिटेंटिविटी. और लास्ट डेफिनेशन ध्यान से देखो, लास्ट डेफिनेशन, वो एच की वैल्यू जब आई क्या हो गया था? जीरो. इस एच को क्या बोलते हैं? कोएर्सिविटी. तो रिपीट कर रहा हूं, वो आई की वैल्यू जब एच जीरो है, रिटेंटिविटी. वो एच की वैल्यू जब आई जीरो है, आई को जीरो करने के लिए उल्टा एच अप्लाई करना पड़ा, इसको क्या बोलते हैं? कोएर्सिविटी. कोई डाउट इसमें? डेफिनेशंस क्लियर है? ठीक, इसकी एप्लीकेशंस नेक्स्ट टाइम करनी है. हिस्टेरेसिस क्लियर है? ऐसा क्यों किया? नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे.